नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन लाइव चैनल में। आइए दोस्तों, हम लोग चैप्टर 8.2 के प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं। कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और a प्लस बी से बड़ा और बराबर है 90 डिग्री, और यहाँ कह रहा है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करें। दोस्तों जिधर के मुंह खुला है दोस्तों इससे बड़ा बोला जाता है, और इस साइड मुंह बंद है दोस्तों इससे हम लोग छोटा बोलेंगे। लेकिन यदि a से बड़ा b हो और यहाँ बराबर का चिन्ह दिया जाए तो हम पढ़ सकते हैं a से तो बड़ा b है लेकिन बराबर भी है दोस्तों, यह बराबर का भी काम करेगा। इसी प्रकार दोस्तों आइए हम लोग हल करते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल ही बीएम है और आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, बस वीडियो में बने रहें। और दोस्तों जहाँ जहाँ आप लोग को बीच बीच में टफ लगता हो, अच्छा लगता हो दोस्तों, उसे कॉपी में नोट्स अवश्य बनाएं। दोस्तों इसे लिख सकते हैं हम लोग टी हल में दिया है क्योंकि ये सभी मान पेपर में छपे आएंगे। दोस्तों आप लोगों को सीधे हल करना है नंबर डालकर। दोस्तों दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। मित्रों आप जानते हैं 2x इज इक्वल टू 8 रहे और हमें निकालना है x का मान, तो हम क्या करते हैं x को बगल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बराबर से जो सटा रहेगा वही उतरता है और यह गुणा में है दोस्तों, तो यह इसके बट्टे में चला जाएगा अर्थात इसका नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई रहेगा दोस्तों ये जाकर नीचे जाएगा अर्थात इसका गुणधराई करेगा दोस्तों। तो tan into a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो हम सब क्या करेंगे a प्लस बी बगल करेंगे दोस्तों बराबर, और tan मित्रों tan √3 का मान हो जाता है दोस्तों आपका 60 डिग्री। कितना होता है दोस्तों 60 डिग्री अर्थात 60 डिग्री, हम लिख सकते हैं इसको 60 डिग्री। मित्रों इसे मान सकते हैं समीकरण 1 एंड दिया है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक उसी प्रकार दोस्तों a माइनस बी साइड में करेंगे इज इक्वल टू tan 1/√3 अर्थात tan 1/√3 का मान होता है दोस्तों 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 30 डिग्री। इसे मान सकते हैं समीकरण 2। मित्रों हमें a और b का मान निकालना है दोस्तों। अब हमारे पास समीकरण a का मान a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड समीकरण 2 का मान a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ चुका है दोस्तों। आइए हम सब हल करते हैं। दोस्तों यहाँ माइनस में b है, यहाँ क्या है प्लस में, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, दोस्तों क्या लिखेंगे जोड़ने पर, और दोनों समीकरण को एक जगह उतारेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री।
दोस्तों आप तो जानते हैं कि जोड़ने पर लिखा था है दोस्तों, तो कभी भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों b प्लस में है और a माइनस में है, कट जाएगा दोस्तों, और a a कितना होगा दोस्तों, 2a इज इक्वल टू 60 डिग्री और 30 डिग्री होता है दोस्तों 90 डिग्री। मित्रों यहां से कर सकते हैं 45 दुना के 90, अर्थात a का मान आपका आ चुका है 45 डिग्री। मित्रों अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण एक में, समीकरण एक में रखने पर, या आप a का मान समीकरण दो में भी रख सकते हैं। दोस्तों जब a का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समीकरण एक का जो मान है उसे लिखेंगे, अर्थात समीकरण एक को उतार देंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। मित्रों a का मान आपका आ चुका था 45 डिग्री, अब हम एक जगह पर 45 डिग्री बैठा देंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोस्तों यहां से बी बगल करेंगे, आपका पहले सबसे बराबर उतरता है दोस्तों 60 डिग्री, ये आपका प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस 45 डिग्री। दोस्तों यहां से हम इसे घटा देंगे, दोस्तों 10 में से 5 गया 5, ये बचा आपका 5, 5 में से 4 घटा 1 बचा। इस प्रकार से हमारा a का मान आ चुका है दोस्तों 45 डिग्री एंड b का मान आ चुका है दोस्तों 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों ये जो प्रश्न है दोस्तों यह परीक्षा में मैक्सिमम 2 या 3 नंबर का दोस्तों आ सकता है, और मित्र आप सब जानते हैं कि परीक्षा में एक नंबर या आधा नंबर भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। दोस्तों आइए फिर से समझते हैं इसे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, tan a प्लस b इज इक्वल टू 3, अर्थात इसे उतारे हैं और a प्लस b को हम लोग बगल किए हैं, और tan क्योंकि हम गुणा में है दोस्तों इसके नीचे जाएगा भागा में, तो tan रूट 3 का मान हो जाएगा 60 डिग्री, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 1 एंड इसे हम लोग उतारते हैं और a माइनस b बगल में करेंगे दोस्तों, और tan गुणा में दोस्तों इसके नीचे चल जाएगा, tan 1/√3 का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोस्तों हल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।